I'm feeling high. अभी मैं पहुंच गया हूँ स्टेडियम के अंदर और यहाँ पे देखेंगे काफ़ी भरा है स्टेडियम। ये मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्टेडियम पे आना हुआ, इससे पहले मैं आया नहीं था। ये फर्स्ट टाइम स्टेडियम के अंदर, ये बरसापुरा स्टेडियम आप देख सकते हैं। वाह, अभी पिच को मतलब ठीक कर रहा है और फील्ड को ठीक कर रहा है, जो ना आने नहीं, और साफ सुथरा ही चल रहा है यहाँ पे। अभी अभी सीट सब गंदा हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पे पेंटिंग वगैरह चल रहा है, मतलब वो सब टाइप का काम चल रहा है, इलेक्ट्रिक से लेके पेंटिंग से लेके। मतलब मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है जो मैं 2 तारीख को मैच देखूंगा, क्योंकि मैं 2 तारीख को कहीं पे जाने वाला हूँ, तो इसलिए मैं शायद नहीं भी देख पाऊँगा मैच। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये नीचे का सीट है और ऊपर भी है, ये मतलब ये ग्राउंड फ्लोर का है। तो अभी मैं अच्छा से आपको स्टेडियम दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं स्टेडियम का चारों तरफ का नज़ारा। और ये स्टेडियम डॉक्टर भूपेन हजोरिका क्रिकेट स्टेडियम के नाम पर रखा है, जो कि असम के महान संगीतकार थे। और ये वीआईपी है, और हम लोग वीआईपी के नीचे से एंट्री किया है। ये वीआईपी रूम है, एसीएस स्टेडियम गुवाहाटी, ये वीआईपी है। और ये देख सकते हैं काफ़ी मज़ा लग रहा है, वो पिच में पानी दे रहे हैं। 2 तारीख को धमाकेदार मैच होने वाला है, तो आप लोग भी आ सकते हैं। आप लोग को मैं बता देता हूँ, आप लोग को ऑनलाइन टिकट भी खरीद सकते हैं और ऑफलाइन भी टिकट खरीद सकते हैं। और मैं स्पेशली जानता हूँ सिर्फ स्टूडेंट के लिए, मतलब स्टूडेंट के लिए आपका अगर स्टूडेंट आईडी कार्ड है तो आपको 475 रुपीज़ देना पड़ेगा टिकट का दाम। और अगर बाकी तो उतना भी पता नहीं है, क्योंकि मैं स्टूडेंट टिकट के लिए मैं देखा था एक बार, तो उतना लिखा हुआ था। तो आप लोग ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, ऑफलाइन भी यहाँ पे आके खरीद सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, नहीं तो टिकट सब सोल्ड आउट हो जाएगा। तो जितना जल्दी कर सकेंगे उतना ही अच्छा है, तब से देख सकेंगे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा है करके, क्योंकि फर्स्ट टाइम है इसलिए। और इंडिया का मैच है, इंडिया और साउथ अफ्रीका। तो अभी मैं थोड़ा जाऊँगा बाहर। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक छोटा सा वीडियो था, मैं सोचा हूँ, मैं ऐसा कुछ प्लान नहीं था जो यहाँ पे आके मैं वीडियो करूँगा, जस्ट आके मुझे याद आया और मन किया है करने के लिए, तो मैं सोचा थोड़ा छोटा सा एक वीडियो कर लिया जाए, तो कर लिया। तो गाइस, मैं अभी एक बार सोचा ऊपर से एक बार स्टेडियम का व्यू दिखाया जाए। अभी देखते हैं अंदर, मतलब उसने देता ही है नहीं, क्योंकि अभी वर्कर लोग काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए शायद नहीं भी घुसने देने का चांसेस है। तो अभी फिर भी एक बार जाकर ट्राई करता हूँ, देने से तो अच्छा ही, एक अच्छा से एक व्यू मिल जाएगा देखने के लिए। अभी जाएंगे, तो आप लोग भी देखते रहिए ये वीडियो। क्रिकेट खेल रहा है ये फीमेल, ऊपर का ये व्यू काफ़ी सुंदर है, चारों तरफ पहाड़ भी है। तो अभी हम लोग ऊपर जाएंगे, और ये वीआईपी का ऊपर से फील्ड का नज़ारा कुछ इस तरह सा। ओ सॉरी, वो रहा वीआईपी, वो है वीआईपी रूम सब, और ऊपर का ये कुछ सुंदर सा व्यू। और ये स्टेडियम नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेडियम है, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बड़ा भी है। और यहाँ का सीट कैपेसिटी 45,000 है, बहुत ज़्यादा। ऊपर से कुछ स्टेडियम का नज़ारा इस तरह से देखने को मिलता है। ऐसे अगर आप ऊपर बैठेंगे ना, तो ऊपर से आपका मतलब जो प्लेयर लोग के है, मतलब प्लेयर लोग का फेस आपको पूरा क्लियर दिखाई नहीं देगा ऊपर से। अगर नीचे है तो आप लोग को पूरा अच्छा से फेस दिखाई देगा और प्लेयर सबको दिखाई देगा। हाँ, ऊपर से एक फ़ायदा क्या है, ऊपर से आप अगर देखेंगे ना, तो क्या होता है, आपको पूरा फील्ड का नज़ारा अच्छा से मिल जाता है, मतलब ग्राउंड भी पूरा अच्छा से मिल जाता है, कौन सा प्लेयर कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है,
तो और जब सिक्स मारता है या तो फोर मारता चौका मारता है या जब छक्का मारता है तब आप लोगों को पूरा देखने को अच्छा से क्लियर मिलता है। जब नीचे रहेंगे तो आपको क्या होता है, जो इस साइड रहेंगे ना तो उस साइड का आप देख नहीं सकेंगे, तो थोड़ा दिक्कत होता है उसमें। तो ऊपर बैठने का एक वो फ़ायदा है, और नीचे बैठने से क्या प्लेयर सब को आप प्लेयर सब आप फेस टू फेस देख सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं, लगभग 10 फीट 3 मीटर इतना दूर से भी आप देख सकते हैं नीचे अगर बैठने से। शायद नीचे का टिकट शायद थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, मुझे इतना पता नहीं, ऐसे में आया नहीं हूँ ना तो मुझे पता नहीं इतना। तो ये रहा आज का ये वीडियो, काफ़ी शानदार अच्छा लगा घूम के। तो अभी चलते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो एक छोटा सा वीडियो था, तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आए। तो आप लोग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। स्टेट क्रिकेट एकेडमी असम राजस्थान रॉयल्स, ये है कॉन्फ्रेंस हॉल, यहाँ पे मीटिंग शीटिंग होता है, प्लेयर लोग का इंटरव्यू लिया जाता है यहाँ पे। ये है एक छोटा सा पार्क टाइप, यहाँ पे बैठ सकते हैं, यहाँ पे बैठे हुए दो तीन लोग कई लोग और है, एक छोटा सा एक पार्क है, यहाँ पे बैठ सकते हैं और अच्छा लगता है यहाँ पे। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, पता नहीं अभी 2 तारीख का मौसम कैसा होगा अगर 2 तारीख को बारिश आ गया तो खेल चौपट। छोटा सा स्टेज देख सकते हैं, ये घास सब देखिए क्या मजा, मुलायम घास है, घास सब देखिए क्या मुलायम है। I'm feeling high.